से सवाल मिलेगा। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी करना भी अपनी इबादत में शुमार होता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें वो मकाम वो मर्तबा मिला। वो मर्तबा कैसे मिला? उनके चेहरे को देखने से कैसे इबादत होती है, उनके चेहरे को देखने से कैसा मुकाम मर्तबा बुलंद हुआ उनका। आए जरा गौर करें, आप देखें कि हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला जब काबे में तशरीफ लाए, जब काबे में तवल्लुद हुए, बैतुल्लाह में पैदाइश आपकी हुई, दुनिया में जन्मा अफरोज हुए, तो काबे में हुए, मगर काबे की काबे को जब आप देख रहे हैं, चेहरे मंजरा को जुल्फे बल्लै के आपने दीदार किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, मेराज पर जब तशरीफ ले गए, इस कदर मौला की गुर्बत थी, इस कदर मौला से मसल हुए, करीब हुए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लेकर आए शबे मेराज के बाद, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरा दीदार किया, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मेरा दीदार किया उसने हक का दीदार किया। तो जो जात मुबारका हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब पैदा हुए, जुल्फे बल्लैल को चेहरे मंदुहा को जब आप देखे, तो आपको ये मुकाम मतलब मिला कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत में शुमार होता है, अली का जिक्र भी करना वो इबादत में शुमार होता है। खुद हजरत तब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाती कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र भी करना इबादत है, मुकाम है, मर्तबा बंदों को मिलता है। कहने का जो मकसद है मतलब नादरी अल्लाह इस्लामिया एक मुकाम पर राजी बयान करते कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बारी ताला अबू बकर पर रहम करना, इसीलिए इसलिए कि अबू बकर ने मेरी मदद की है, इसलिए अबू बकर पर रहम करना कि अबू बकर ने अपने मान से बिलाल को छुड़वाया, बिलाल को आजाद किया। रजी अल्लाह तआला अन्हु व अजमईन। आप फिर फरमाते ऐ बारी ताला उमर पर रहम करना, इसीलिए इस वजह से उमर पर रहम करना कि उमर हमेशा अपने जबान से सदाकत कहता है, हमेशा अपने जबान से सच कहता है। इस तरह उमर ने सच कहा, हुजूर इरशाद फरमाते हैं उमर ने इतना सच कहा, इतना इस्लाम को फैलाया कि उसके कोई दोस्त न रहे। इस वजह से ऐ बारी ताला उमर पर रहम करना। हुजूर इरशाद फरमाते आगे आपकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने क्या कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ऐ बारी ताला अली पर रहम करना, इस वजह से अपनी बरकतों को नाजिल करना, इस बिना पर इस वजह से कि जहां मेरा अली रहता है उसका हक उसके साथ मौजूद रहता है, जहां अली जाता है वहां मुस्तफा रहते हैं, जहां अली गया वहां खुदा रहते हैं, जहां अली रजी अल्लाह तआला की जात मौजूद होती है वहां अल्लाह उसका रसूल मौजूद होता है। ये मुकाम ये मर्तबा बारगाह इलाही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को ये मुकाम ये मर्तबा मिला। ये अदालत हुई जिस मुंह से खराने में आप पैदा हुए। मतलब हमारे मिल्लत इस्लामिया ये मुकाम ये मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला को मिलने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती कि मैंने अपने बाबाजान को देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हजरत अली रजी अल्लाह तआला की मजलिस में मौजूद है। आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला के चेहरे को तक रहे हैं, हजरत अली को देख कर मुस्कुराने लगे आप। तो आप आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के करीब जाती है, बाद जाकर अर्ज करने लगती, बाबा जान आप मौला अली के चेहरे को खूब क्यों तकते हैं, हम अदब मौला अली के चेहरे की ही जियारत करते, बगल बगल झपका के बस मौला अली के चेहरे को देखते हैं, जरा मुझे बताए कि क्यों देखते हैं। तो हजरत अबू बकर से देख रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते ऐ मेरी बेटी, इस
के चेहरे को देखना भी इबादत है।